रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम 90.4 खांची रेडियो, हम सबका रेडियो। मैं अमितेश कुमार, अतिथि संकाय योग विभाग रांची विश्वविद्यालय। आज का हमारा विषय है बौद्ध दर्शन और बौद्ध मत के धार्मिक संप्रदाय विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारे पीजी सेमेस्टर 4 योग विभाग के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अनिवार्य विषय है। तो हम देखेंगे बौद्ध धर्म के धार्मिक संप्रदाय। जब हम विश्व के धर्मों का सिंहावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उनका विभाजन भिन्न भिन्न संप्रदायों में हो पाया है। इसे हम विश्व के समस्त धर्म के लिए सत्य माने या न माने, हमें विश्व के अधिकांश धर्मों के संबंध में यह बात माननी ही पड़ती है। धर्म का इतिहास ही इस बात का साक्षी कहा जा सकता है। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का विभाजन भी संप्रदायों में हुआ है। ऐसे संप्रदाय मूलतः दो हैं, इन्हें हीनयान तथा महायान कहते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है, महायान बौद्ध धर्म का विकसित रूप है। अब इन दोनों मतों को परस्पर हम पृथक पृथक देखेंगे। हीनयान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। इस धर्म पर आधारित सारे साहित्य पाली में है, जिससे बुद्ध की शिक्षाएँ संग्रहित हैं। यह प्राचीन बौद्ध दर्शन की परंपरा को मानता है, इसी कारण इसे मौलिक एवं प्राचीन धर्म कहा गया है। यह धर्म लंका, श्याम, बर्मा आदि देशों में प्रचलित है। हीनयान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना गया है। साधारणतः नित्य समझे जाने वाली वस्तुएं भी असद हैं, वे मूलतः अभाव रूप हैं। हीनयान में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है, यहाँ अनात्मवाद की मीमांसा हुई है। इस प्रकार हीनयान में सभी द्रव्य अथवा व्यक्तियों के अस्तित्व का निषेध हुआ है। हीनयान में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया। जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं तो ईश्वर के भविष्य का सृष्टा या पालनकर्ता कहने का प्रश्न ही निरर्थक है। अनिश्वरवादी धर्म होने के कारण यह जैन धर्म से मिलता जुलता है। ईश्वर का स्थान हीनयान संप्रदाय में कम्म तथा धम्म को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार शरीर, मन तथा निवास स्थान को अपनाता है। संसार का नियामक हीनयान के अनुसार धम्म है। धम्म के कारण व्यक्ति के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार धर्म का हीनयान मत महत्वपूर्ण स्थान है। धम्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संघ, ऑर्गेनाइज चर्च में निष्ठा रखनी पड़ती है। अपने धर्म के अनुयायियों के साथ संघबद्ध होने के फलस्वरूप साधक को आध्यात्मिक बल मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रत्येक अनुयायी को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का व्रत लेना परम आवश्यक है। इस प्रकार हीनयान में बुद्ध धम्म और संघ इन तीनों को सिरोधार्य करने का आदेश दिया गया है। हीनयान के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य अर्हत होना या निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद मानव के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। निर्वाण के अभाव या निर्वाण को अभाव रूप माना गया है। इसका फल यह होता है कि निर्वाण का आदर्श उत्साहवर्धक तथा प्रेरक नहीं रह जाता। हीनयान में स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्ध के चार आर्य सत्यों का मनन एवं चिंतन करना आवश्यक है। उसे किसी बाह्य सहायता की कामना करने के बजाय अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं बुद्ध ने कहा है, आत्मदीपो भव। बुद्ध के अंतिम शब्दों में भी जो इस प्रकार है कि सावयव पदार्थ या संघात सभी नश्वान है। परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, आत्मनिर्भर रहने का आदेश है। हीनयान को इस कठिन आदेश के कारण कठिन यान भी कहा जाता है। हीनयान के मतानुसार व्यक्ति को सिर्फ निजी क्षेत्र मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। यही कारण है कि हीनयान के अनुयायी अपने मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हीनयान का यह आदर्श संकुचित है, क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना का निषेध हुआ है। इसके अतिरिक्त हीनयान के इस विचार में स्वार्थपरता मौजूद है, क्योंकि व्यक्ति निजी मुक्ति को ही अपना अभीष्ट मानता है। इस प्रकार हीनयान में परार्थ की भावना का निषेध हुआ है। हीनयान में लोक कल्याण की भावना का खंडन होने के कारण महायानियों ने इसे हीन अथवा अपने मत को महान कहा है। इसलिए महायान लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। हीनयान का उपयुक्त विचार बुद्ध के निजी उपदेश तथा व्यवहार से असंगति रखता है। बुद्ध लोक सेवा को अत्यधिक महत्व देते थे। लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर वे विश्व का परिभ्रमण करते रहे और जनता को उपदेश देते रहे। उनके उपदेश में संसार के दुख से मुक्ति पाने का आश्वासन था। इससे अतिरिक्त वे लोक कल्याण एवं धर्म प्रचार के लिए भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजते रहे। इससे प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने स्वार्थ परायणता का खंडन किया है।
हीन यान में संन्यास को प्रश्रय दिया गया है। विशुद्ध मार्ग में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाना चाहता है उसे शमशान में जाकर शरीर और जगत की नित्यता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हीन यान अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंद्रिय सुख का दमन करते हैं तथा एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन का भी हीन यान में खंडन हुआ है। कहा गया है कि सामाजिक जीवन को व्यतीत करने से आसक्ति की भावना का उदय होता है, इसके फलस्वरूप दुख का आविर्भाव होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पारिवारिक बंधन को त्यागने का आदेश दिया गया है, अतः यह हीन यान में भिक्षु जीवन तथा संन्यास को नीति सम्मत बताया गया है तथा इच्छा या वासना से व्यक्ति का समर्थन किया गया है। हीन यान में बुद्ध को महात्मा के रूप में माना गया है। वे साधारण मनुष्य से इस अर्थ में उच्च थे कि उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। बुद्ध उपदेशक थे, उन्होंने जनता को सत्य का पाठ पढ़ाया। हीन यानियों के अनुसार सभी लोग बुद्ध बनने की शक्ति नहीं होती, वह तो तपस्या से उत्पन्न होती है। इन सबों के बावजूद बुद्ध को हीन यान में ईश्वर नहीं माना गया। बुद्ध को उपास्य कहना भ्रामक है। हीन यान में स्वावलंबन और संन्यास के आदर्श को माना जाता है। यह आदर्श इतने कठिन एवं कठोर है कि जिनका पालन सबों के लिए संभव नहीं, इसलिए महायान के समर्थकों ने हीन यान को छोटी गाड़ी अथवा छोटा पंथ कहा। इस कारण हीन यान के द्वारा कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य तक जा सकते हैं। हीन यान का नामकरण समीच चीनी जैसा है। हीन यान धर्म की संकीर्णता एवं अव्यवहारिकता ने ही महायान का बीज अंतर्भूत था। हीन यान एक अनिश्वरवादी धर्म था। अनिश्वरवादी धर्म होने के नाते हीन यान जनसाधारण के लिए अप्राप्य था। संन्यास एवं स्वावलंबन के आदर्श का पालन जो हीन यान के मूल मंत्र थे जनसाधारण के लिए कठिन थे। जो जो बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ तो बौद्ध धर्म के समर्थकों ने हीन यान के आदर्श को बौद्ध धर्म की प्रगति में बाधक समझा। ऐसी परिस्थिति में बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों ने हीन यान संप्रदाय के विपरीत एक दूसरे संप्रदाय को जन्म दिया जो जनसाधारण के मस्तिष्क और हृदय को संतुष्ट कर सके। इस संप्रदाय का नाम महायान पड़ा। महायान का अर्थ होता है बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग। महायान को बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर संख्य व्यक्ति चलकर धर्म लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस संप्रदाय को सहज यान ईजी पाथ भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इनके सिद्धांतों को हृदयंगम सुगमता से कर सकता है। महायान धर्म कोरिया, जापान, चीन आदि देशों में प्रचलित है। महायान धर्म की सरलता एवं व्यवहारिकता इसे विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर सकी। महायान धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है। बोधिसत्व की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसार के समस्त जीवों की मुक्ति पर जोर दिया गया है। महायानी संसार के समस्त प्राणियों के समग्र दुखों का नाश करा उन्हें निर्वाण प्राप्त करा देना चाहते हैं। उनका यह प्रण है कि जब जब एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता तब वह स्वयं निर्वाण सुख नहीं भोगेंगे तथा त्रस्त मानव के निर्वाण के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। महायानियों का यह आदर्श बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व का अर्थ है बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। परंतु महायान धर्म में बोधिसत्व का अर्थ उस व्यक्ति से लिया जाता है जो बोधिसत्व की प्राप्ति करता है तथा लोक कल्याण में संलग्न रहता है। महायान का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में बोधिसत्व प्राप्त करने की क्षमता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संभाव्य बुद्ध पोटेंशियल बुद्ध है। संभाव्य बुद्ध पोटेंशियल बुद्ध यह मत हीन यान के विचार से भिन्न है क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व को नहीं माना जाता। महायान के मतानुसार बोधिसत्व में करुणा का समावेश रहता है। समस्त प्राणी उनकी करुणा का पात्र बन सकते हैं। वे संसार में रहते हैं फिर भी संसार की आसक्ति से प्रभावित नहीं होते। उनकी तुलना पंकज से की गई है जो पंख में रहकर भी स्वच्छ तथा निर्मल रहता है। बोधिसत्व के सिलसिले में कहा गया है कि वे लोकसभा की भावना से जन्म ग्रहण करने के तत्पर रहते हैं। महायान में बोधिसत्व हीन यान के अर्हत पद से भिन्न है। हीन यान में अर्हत की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया है। अर्हत के विचार में स्वार्थपरता निहित है क्योंकि वे अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महायान का बोधिसत्व का आदर्श इसके विपरीत लोक कल्याण की भावना पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार हीन यान का लक्ष्य वैयक्तिक है जबकि महायान का लक्ष्य सार्वभौम है। बोधिसत्व का सिद्धांत बुद्ध के विचार से संगत प्रतीत होता है। बुद्ध ने स्वयं जनसाधारण के निर्वाण के लिए प्रयत्न किया। निर्वाण प्राप्ति के बाद वे लोक कल्याण की भावना से अर्थात इस उद्देश्य से संसार का मनुष्य दुखी रूप समुद्र से पार कर परिभ्रमण करते रहे तथा उपदेश देते रहे। वे दूसरों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक यत्नाएं सहने को तैयार थे। अतः महायान के बोधिसत्व के आदर्श में बुद्ध के शब्दों की प्रतिध्वनि पाते हैं। महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना जाता है। हीन यान धर्म अनिश्वरवादी होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका। धर्म की भावना में निर्भरता की भावना निहित है। मनुष्य अपूर्ण एवं सशीम होने के कारण जीवन के संघर्षों का सामना करने से ऊब जाता है तो एक ऐसी सत्ता की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके। ऐसी परिस्थिति में स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा न रखकर ईश्वरापेक्षी हो जाता है। महायान में ऐसे व्यक्तियों को भी आशा का संदेश है। यही कारण है कि महायान में ईश्वर की करुणामय तथा प्रेममय माना गया। इसलिए कहा गया है कि द गॉड ऑफ महायाना इज द गॉड ऑफ लव एंड लेस ग्रेट स्ट्रेस ऑन डिवोशन। समस्त प्राणी प्रेम भक्ति और कर्म के द्वारा ईश्वर की करुणा का पात्र हो सकता है।
आगे चलकर महायान ने बुद्ध को परमार्थिक सत्य का एक अवतार मान लिया गया। जहाँ तक में बुद्ध के पूर्ण अवतार का वर्णन है, बोधिसत्व प्राप्त करने के पूर्व बुद्ध के जितने अवतार हुए उनका वर्णन जातक में विद्यमान है। परम तत्व को महायान में वर्णनीय माना गया है। यद्यपि परम तत्व अवर्णनीय है, फिर भी उसका प्रकाशन धर्म काय के रूप में हुआ है। धर्म काय के रूप में बुद्ध समस्त प्राणी के कल्याण के लिए चिंतित दिखते हैं। इस रूप में बुद्ध को अभिताप बुद्ध कहा गया है तथा इनके दया की उपेक्षा साधारण मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग होता है। महायान के में ईश्वर की भक्ति पर भी बल दिया गया है। महायान ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक का कहना है कि सच्चे प्रेम से बुद्ध को एक पुष्प के अर्पण के द्वारा साधक को अनंत सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर महायान ने धार्मिक भावना को संतुष्ट किया है। महायान में आत्मा का अस्तित्व माना गया है, क्योंकि महायान का कहना है कि यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मुक्ति किसे मिलेगी। मुक्ति की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए आत्मा विश्वास आवश्यक हो जाता है। महायान ने व्यक्तिगत आत्मा को मिथ्याहीन आत्मा कहा है, इसके बदले में महात्मा की मीमांसा हुई है। महायान के सभी व्यक्तियों में एक ही महात्मा विद्यमान है। इस दृष्टि से संपूर्ण मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी सामान्य है। महायान में कर्म विचार में भी कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है। दूसरे शब्दों में बिना किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता, अतः किए गए कर्मों का फल नष्ट भी नहीं होता। परंतु महायान कहता है कि बोधिसत्व अपने कर्मों के फल को से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के पापमय कर्मों का स्वयं भोग कर सकते हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रभावित होकर बोधिसत्व अपने पुण्यमय कर्मों को तथा दूसरों के दुख से मुक्ति दिलाते हैं तथा पापमय कर्मों को स्वयं भोगते हैं। इस प्रकार कर्मों के आदान प्रदान को इसे परिवर्तन कहा जाता है महायान में माना गया है। महायान में निर्माण के भावात्मक मत पर बल दिया गया है। निर्माण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करता है। महायान मत की तरह शंकर ने भी मोक्ष को एक आनंदमय अवस्था बताया। अब हम हीन यान और महायान में अंतर को देखें तो हीन यान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। दोनों के बीच अत्यधिक विषमता है। यहाँ पर हीन यान और महायान के जो मौलिक विभिन्नताएं हैं उनको हम देखेंगे। हीन यान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीन यान के अनुसार चरम लक्ष्य अरहत पद की प्राप्ति है। अरहत सिर्फ अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके विपरीत महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है। महायानियों ने सिर्फ अपना मोक्ष प्राप्त करना स्वार्थपूर्ण माना है। वे सभी जीवों की मुक्ति का जीवन का लक्ष्य मानते हैं। जब तक संसार के समस्त दुखी प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल जाती वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसी को बोधिसत्व कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीन यान का लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति इंडिविजुअल लिबरेशन और महायान का लक्ष्य सार्वभौमिक मुक्ति यूनिवर्सल लिबरेशन है। इसका फल यह होता है कि हीन यान में स्वार्थपरता की भावना आ जाती है जिससे महायान अछूता रहता है। हीनवान में निश्वरवाद को अपनाया गया है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्रयास करना होता है। इसी के विपरीत महायान में ईश्वरवाद को अपनाया गया है। बुद्ध स्वयं करुणामय है तथा सारा संसार उनकी करुणा का पात्र है। हीनयान भिक्षु जीवन और संन्यास पर जोर देता है। हीनयान के अनुसार मनुष्य संसार को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, परंतु महायान में निर्वाण प्राप्त करने के लिए संसार से पलायन का आदेश नहीं दिया गया। व्यक्ति संसार में रहकर भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्ति से उसकी संसारिकता से आशक्ति आवश्यक है, संसार से संन्यास नहीं। इस प्रकार देखते हैं कि हीनयान जगत के प्रति अभावात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, परंतु महायान जगत के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को सिरोधार्य करता है। हीनयान में निर्वाण को अभाव रूप माना गया है। हीनयान में निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों के दुखों का अंत हो जाता है। परंतु महायान में निर्वाण को भाव रूप माना गया है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद मानव के दुखों का अंत नहीं होता बल्कि आनंद की प्राप्ति होती है। निर्वाण को आनंदमय अवस्था माना गया है। हीनयान में आत्मा को नहीं माना गया है, परंतु महायान में आत्मा की सत्ता को माना गया है। महायान के अनुसार केवल व्यक्तित्व आत्मा मिथ्या है। परमार्थिक आत्मा अर्थात महात्मा मिथ्या नहीं है। महात्मा सभी मनुष्यों में विद्यमान है। हीन यान के स्वालंबन एवं संन्यास का आदर्श अत्यंत ही कठिन है। हीन यान को अपनाकर कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को अपना सकता है, परंतु महायान ने ईश्वर आत्मा बोधिसत्व आदर्श को आदर्श मानकर निर्वाण के मार्ग को सुगम बना दिया है। अनेक व्यक्ति महायान के द्वारा जीवन के लक्ष्य को अपना सकते हैं। इसलिए हीन यान को छोटा पथ तथा संकीर्ण मार्ग तथा महायान को बड़ा पथ या प्रशस्त मार्ग कहा गया है। हीन यान रूढ़िवादी डॉक्मेटिक है। हीन यानी परिवर्तन का घोर विरोधी है। वहाँ मूल बौद्ध मत की अधिकांश बातें जो कि त्यों बनी रही, परंतु महायान इसके विपरीत उदार और प्रगतिशील है। उदार होने के कारण उसमें अनेकानेक नए विचार मिल गए। प्रगतिशील होने के कारण उसमें अश्वघोष, नागार्जुन, असंग आदि विद्वानों के विचार निहित हैं, जिन्होंने गंभीरतापूर्वक दर्शन के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार किया। धन्यवाद।
इस विषय को देखने के लिए आप भारतीय दर्शन की रूपरेखा प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक को देखें। धन्यवाद।